साथियों, दीपावली की बधाई शुभकामनाएं। हम दिवाली को दीप ज्योति उत्सव कहते हैं और ये मानते हैं कि पूरे वर्ष हर मनुष्य के जीवन में प्रकाश रहे, ज्योति बनी रहे और इस वजह से इसका विशेष महत्व रहता है। परंतु बहुत से लोग ज्योति के साथ साथ पटाखे चलाते हैं और पटाखे भी वो जो इतनी तेज आवाज में होते हैं कि कान फटने लगते हैं। बहुत से बच्चे और बुजुर्ग उन पटाखों को की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहरे हो जाते हैं। अनेक अनेक यारे पूरे देश में लाखों पक्षी मर जाते हैं उन आवाज के कारण। ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण ये दोनों फैलते हैं पटाखों के कारण से। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है कि आप तेज आवाज के पटाखे तो बिल्कुल भी न चलाएं। वैसे यदि आप पटाखा नहीं चलाएंगे तो धुआं या जो उसका केमिकल युक्त धुआं है वो नहीं उड़ेगा तो प्रदूषण नहीं फैलेगा। प्रदूषण नहीं फैलेगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें उस दिन उस रात को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, विशेषकर अस्थमा आदि के जो मरीज हैं या नजला जुकाम के जो मरीज हैं उनकी बहुत बुरी हालत होती है। हम केवल अपने आनंद की ओर ना देखें, पूरे समाज का, देश का वातावरण शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे, इसका भी चिंतन करें और क्षणिक खुशी के लिए ऐसा न करें। बहुत सी बार पटाखों के कारण बहुत बड़ा अग्निकांड हो जाता है, उसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं। और ऐसे अग्निकांड में करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान ही नहीं हो जाता, कई बार कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें कई लोगों की जान चली जाती है, कितने परिवार अनाथ हो जाते हैं। तो समझिए कि हमारी एक छोटी सी खुशी के लिए हम किसी का जीवन बर्बाद कर दें तो हम कितने पछताएंगे, उसका कोई पश्चाताप नहीं हो सकता। इसलिए ये संकल्प करें कि हम पटाखा रहित दिवाली मनाएंगे। फूल झड़ी बच्चे चलाएं कोई खास बात नहीं है, आप उनके पास रहें और सावधानी से उन्हें चलाने दें, लेकिन तेज आवाज का पटाखा बिल्कुल ना चलाएं, ऐसा आप संकल्प करें। जय हिंद, जय भारत।